सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस टर्म 1 में हम लोग अभी सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हैं, है ना, 25 से 48 तक, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए पहला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि लाइम स्टोन को हीट किया जाता है स्टेप 1 में, जिसमें एक्स एक कंपाउंड बन रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है। उसके बाद जब इसमें H2O ऐड किया जाता है स्टेप 2 में, तो स्लेग लाइम बनता है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड नेचुरली इन लाइम स्टोन। वेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली द कैल्शियम कार्बोनेट इट कंटेंस एब्जॉर्ब्स हीट एंडोथर्मिक एंड डीकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो बेसिकली लाइम स्टोन जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया है CaCO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और उसके बाद ये डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, CO होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। सेकेंड देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ना, जो कि एल्केली है, मतलब बेस है, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, और इसमें वाटर जो है ना स्टीम में चेंज हो जाता है और जो सॉलिड रिमेन होता है वाइट, है ना, वो पाउडर के फॉर्म में होता है जब इसको ऐड करते हैं वाटर से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ ऐड हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक रिएक्शन इंडोथर्मिक हो गया और एक तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, है ना, पहला रिएक्शन इंडोथर्मिक है और दूसरा एक्सोथर्मिक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है इन व्हिच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट। ठीक है ना, तो देखिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे यहाँ पे देखिए pH वैल्यू जो है ना डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो pH वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो जो बेसिक नेचर है ना वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसी को जानना चाहता है, तो याद रखिएगा ये जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि जिस साल pH वैल्यू लो होगा उस साल में क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 2008 है ना, ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो pH वैल्यू है वो सबसे लो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जाना कि जहाँ पे pH वैल्यू लो रहेगा वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ना हाइएस्ट होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है द डायग्राम शोज द रिएक्शंस बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, है ना। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड में जब रिएक्शन होता है तो इसमें बोल रहा है, चार्ट और इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग, बोलता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे देखिए जिंक और डाइल्यूटेड HCl का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के बाद नीचे में यहाँ पे कुछ बना हुआ है, उसी प्रकार से आयरन और डाइल्यूटेड HCl का रिएक्शन हो रहा है, नीचे में बना हुआ है, और कापर और डाइल्यूटेड HCl का रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे नीचे में कुछ चीज़ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूटेड HCl के साथ में, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैग्नीशियम है ना नीचे में कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे फ्लोट कर रहा है HCl में, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ना, ये सब के सब हाईली रिएक्टिव में आते हैं। इसमें जो है ना पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, और ये लोग कैच कर लेते हैं फायर को, है ना, तुरंत फायर पकड़ लेते हैं और तुरंत इसमें से हाइड्रोजन निकलने लगता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन को। लेकिन जो कैल्शियम है वो बहुत ही लेस वायलेंट होता है, इसमें हीट इन्वॉल्व भी होता है, वो सफिशियंट नहीं होता कि हाइड्रोजन जो है फायर को कैच करे। लेकिन क्वेश्चन में जैसे हमको मैग्नीशियम के साथ पूछा है तो मैग्नीशियम जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ में, है ना, लेकिन एसिड के साथ में जरूर रिएक्ट करता है। और होता क्या है कि जब ये रिएक्ट करता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या होता है बबल बन जाता है हाइड्रोजन गैस का और इसके सरफेस पे वो चपक जाता है। ठीक है, इसके कारण ही ना इसमें जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वो फ्लोट करते हुए दिख रहा है। तो देखिए इसमें इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बी में क्या है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस, हमने भी देखा, व्हिच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, है ना, और जो इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। बाकी में क्या होता है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें अटैच नहीं हो पाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि टेबल शोन बिलो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर सब्सटेंसेस ABCND, है ना, इसमें चार सब्सटेंसेस दिए हुए हैं ABCND। तो इसमें सबके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और हमको बताना है, क्या बताना है कि आइडेंटिफाई एनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द एबव गिवन सब्सटेंसेस, कि इसमें से कौन कौन से एनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, देखिए एनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यहाँ पे NCERT बुक में दिया हुआ है, और साथ ही साथ
ये जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जब ये सॉलिड होते हैं ना तो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब ये किसी सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो चार्ज्ड पार्टिकल आ जाता है इनमें, जिनके कारण इनमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन ये है उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है ना 295 है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता नहीं है, तो इसीलिए पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉलिड में तीनों के तीनों पुअर हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के सही है, लेकिन लिक्विड में अगर आप देखेंगे ना तो ये पुअर है, मतलब लिक्विड में जो है ना पुअर कंडक्टिविटी नहीं होता है किसका, आयनिक कंपाउंड का। तो इसमें दो ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी एंड सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29, बिना ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सबसे पहले तो सोप क्या होता है, हमको मालूम है सोप जो है ना वो एक बाइकार्बोनेट होता है, मतलब बेसिक होता है वो। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक में सेम टू सेम दिया हुआ है कि स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है ना, सोप का नेचर यहाँ पे बता दिया, बेसिक इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बताया हुआ है कि जो टर्मरिक है ना वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है रेडिश टिंज देता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो, है ना, क्योंकि। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 एंड 4। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, ठीक है ना, किस सेटअप में बल्ब ग्लो होगा। तो देखिए बल्ब को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए, बल्ब को ग्लो होने के लिए चाहिए कि जो आयंस हैं वो मूव करते रहें, तो आयन किस में मूव करते रहते हैं, जिसमें एसिड होता है ना, जैसे यहाँ पे HCl का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो इसमें H प्लस आयन हो जाएगा और Cl माइनस आयन हो जाएगा, तो जब तक आयन मूव नहीं करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन वन में एक बल्ब ग्लो होगा। दूसरा देखिए इसमें शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन के साथ में किसी भी प्रकार का आयन जो है ना वो फ्लो नहीं होता, और ना ही एल्कोहल के साथ में होता है, ठीक है। जबकि डी में देखिए लाइम वाटर दिया है, तो लाइम वाटर में भी यहाँ पे आयन जो है ना इसमें फ्लोट करेगा, तो जहाँ जहाँ पे आयन फ्लोट करता है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो क्या होगा वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, और बाकी जो है ना यहाँ पे नहीं ग्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 1 एंड 4, ठीक है।